लेकिन उसी एक गिलास पानी को 3-4 मिनट धीरे धीरे पिएंगे तो ज्यादा लाल जाएगी। पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया आयुर्वेद में कि एक सिप पानी मुंह में भरना, फिर उसको घुमाना चारों तरफ और घुमा के फिर पूरी लार उसमें मिक्स हो जाए, फिर पीना, फिर 1-2 मिनट वेट करना, 1-2 मिनट में फिर उतनी लार बन जाएगी, फिर पानी को मुंह में लेना, फिर घुमाना, फिर पीना। ये तरीका आदर्श है, आइडियल है, ऐसे पानी पीना। आप बोलेंगे फायदा, फायदा सबसे बड़ा ये है कि बार बार लार अंदर गई तो पेट का एसिड आपने न्यूट्रल कर लिया। जिनका एसिड न्यूट्रल होता है उनको लाइफ में वात पित्त कफ तीनों न्यूट्रल रहते हैं, बढ़ ही नहीं सकते, घट भी नहीं सकते, और जिंदगी भर आप निरोगी रह सकते हैं। इतना पावरफुल सूत्र है, सिर्फ पानी को घूट घूट करके पीना। मैंने इस सूत्र पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए और मेरे अलावा दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए। मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, वहां पर 2 साइंटिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरा कंप्यूटर के माध्यम से दोस्ती हो गया, ईमेल के थ्रू। मैंने उनकी एक बार वेबसाइट पे क्लिक किया, वो दोनों साइंटिस्ट 12 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माने किडनी रोग के विशेषज्ञ। उनका ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी घटाघट पियो तो क्या होता है और पानी घूट घूट पियो तो क्या होता है। 12 साल से वो एक ही काम में लगे, 12 साल के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसकी पूरी थीसिस तैयार की है। वो ये कहते हैं कि पानी जो घटाघट पिए तो रोग ही रोग शरीर में, वो बोलते हैं सबसे ज्यादा संभावना है एपेंडिसाइटिस की, दूसरी संभावना है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। वो कहते हैं कि ये प्रोस्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एपेंडिसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम हैं, ये सब मैक्सिमम उन लोगों को हैं जो घटाघट पानी पीते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो घूट घूट पानी पी रहे हैं वो कहते हैं दिस इज आइडियल। और वो कहते हैं कि भारत तो बहुत लकी है कि इस नियम का भारत को 3,500 साल से ज्ञान है, हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले कि पानी घूट घूट पीना। उन्होंने अपने 100 से ज्यादा पेशेंट पर 12 साल ये काम किया जिनकी किडनियां खराब हो गई और जिनको डायलिसिस करना पड़ता था। ऐसे 100 पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका कहना है कि जितने पेशेंट को घूट घूट पानी पीने को उन्होंने बोला, सभी को डायलिसिस देर में होना, देर में हुआ, माने जैसे हर दिन डायलिसिस लगता है ना, घूट घूट पानी पीने लगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो समय बढ़ता ही गया और अंत में 3-3 महीने में एक बार डायलिसिस उनको करना पड़ा और 6 महीने में करना पड़ा। और जो घटाघट पानी पीते हैं उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डायलिसिस फिलहाल। तब उन्होंने थीसिस तैयार किया, वो थीसिस को उन्होंने एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लैंसेट, उसका नाम है, लंदन से छपती है, उसमें दिया वो थीसिस। मैंने पढ़कर फिर उनको कांटेक्ट किया कि आपको ये पता कैसे चला घूट घूट पानी पीने का, तो उन्होंने कहा कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए ये किया था। तो मैंने कहा हमारे भारत में तो 3,500 साल पहले ये पता। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है लेकिन भारतवासी इसका पालन नहीं करते, इसका बहुत अफसोस है। अब वो दोनों इसका प्रचार करने में लग गए। वो कहते हैं पानी को घूट घूट पियो तो किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा है। तो यूरिन की प्रॉब्लम हमारे बुजुर्गों को अक्सर होती है, रात में बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है क्योंकि रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाती है यूरेथ्रा की, मूत्रपिंड जो रोक के रखता है पेशाब को वो कमजोर पड़ जाता है। उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है खजूर, पिंड खजूर। खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं, फिर दूध में डाल के उसको खूब उबाले हैं, उबाले हुए दूध को पिए सोने के पहले और जो खजूर है वो चबा के खाएं। 2 खजूर एक दिन में लेना पर्याप्त है, 1-1.5 महीने ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसी पिंड खजूर से बच्चों की भी समस्या हल हो जाती है जो रात को बिस्तर में पेशाब करते हैं। खजूर को पिंड खजूर भी कहते हैं और ये खजूर है, छुआरा है, सूखे रूप में मिलता है, तो दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्टेट में भी यही काम आएगा जो बार बार आप मुझे पूछ रहे हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जिनको भी है, एनलार्जमेंट हुआ है, उनके लिए भी आप ये खजूर की व्यवस्था कर दीजिए और बिल्कुल देखिए रिजल्ट क्या है।